जैसे 3 साल से हमने देखा है कोविड एक लंग इन्वॉल्व करता है और कोविड निमोनिया की वजह से मोस्ट लोगों का डेथ होता है, बट इस बार हम ये देख रहे हैं इस स्ट्रेन के दौरान जो लंग का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम है। मोस्ट पेशेंट्स को सिर्फ खांसी, बलगम और हल्का सा बुखार और 3-4 दिन के लिए बॉडी पेन्स होता है। हाय, फिर मैं डॉक्टर रवि रंजन मुखातिब हूँ और चलिए कोरोना से बचने के लिए इस कड़ी में हम लोग मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अरुण कोटारू से, जो सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में, और कोरोना लंग्स का ही इन्फेक्शन है। और तो चलिए जानते हैं कि इस बीमारी में जिसमें फिर से दहशत हो रही है लोगों में, तो किस तरह से बचाव कर सकते हैं लंग इन्फेक्शन, या जिनको अस्थमा है या बाकी लंग प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अरुण कोटारू से। जैसे 3 साल से हमने देखा है कोविड एक लंग इन्वॉल्व करता है और कोविड निमोनिया की वजह से मोस्ट लोगों का डेथ होता है, बट इस बार हम ये देख रहे हैं इस स्ट्रेन के दौरान जो लंग का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम है। मोस्ट पेशेंट्स को सिर्फ खांसी, बलगम और हल्का सा बुखार और 3-4 दिन के लिए बॉडी पेन्स होता है, इसके बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है। बट हाँ, जैसे सर ने पूछा है, कुछ पेशेंट्स हैं जिसको आस्थमा है या कोई डायबिटीज़ है जिसमें निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इन पेशेंट के लिए हम ऑलरेडी बोला है दैट जो वैक्सीन है वो उसका बूस्टर डोज ज़रूर ले लीजिए और मास्क पहने रखिए, और अपना आस्थमा का इलाज या डायबिटिक का इलाज या बाकी जो कोई भी बीमारी आपको है उसका इलाज कंटिन्यू कर लीजिए। कोई दवाई में लापरवाही नहीं चाहिए, सो दैट आपका इम्यूनिटी डाउन होने का चांस नहीं होता है और कोविड से बचाव कर सकते हैं आप। तो आज कोरोना से बचाव का टॉपिक यही हम लोग ख़त्म करेंगे, और अंत में मैं अपनी राय सिर्फ ये कहूँगा कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना है एक इन्फेक्शन है जिसके साथ हमें जीना है, और इसको हम लोग को अपने अंदर से डर ख़त्म करके सिर्फ थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज करें, खाने का ध्यान रखें, फ्रूट्स खाएं, बंद जगहों में जाने से बचें, खुली हवा में सांस लें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा योगा अपनाएं। तो चलिए बने रहिए आप लोग RBM न्यूज़ के साथ, और इस तरह से हर वीक में एक मेडिकल बुलेटिन के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। डॉक्टर रवि रंजन, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।